लेकिन विपक्ष है कि मानता ही नहीं। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है कृषि कानून वापस लेने का फैसला। ये बात दिल से नहीं दिमाग से समझी जा सकती है, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं। किसानों की जीत बताते हुए ज्यादातर विरोधी दल इसे 5 राज्यों के चुनाव में हार के डर से लिया गया फैसला मान रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से बीजेपी डर गई है। मैं देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्ष से और जिनके लगातार आंदोलन और तीनों काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा और उसका परिणाम ये है कि आज तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है, ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि अन्नदाता के सत्याग्रह के सामने अहंकार का सिर झुक गया है। वहीं प्रियंका गांधी भी विरोध के चश्मे से ही फैसले को देख रही हैं। वो इस फैसले पर भरोसा ही नहीं कर पा रही। उनका कहना है कि यूपी में बीजेपी को हार दिखने लगी है। जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है। विधानसभा के चुनाव जो हैं, उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। तमाम कांग्रेसी नेता भी प्रियंका गांधी के सुर में सुर मिलाते नजर आए। जो प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून वापस लेने का जो ऐलान किया है, ये किसानों की एकता की जीत है, अन्नदाता जीता है, मोदी और अमित शाह का घमंड हारा है, उनका षड्यंत्र हारा है। आज भी मोदी जी को उन 700 किसान जो शहीद हो गए आंदोलन करते हुए, इन 3 काले कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए, उन शहीदों को नमन करना चाहिए था, देश से माफी मांगनी चाहिए थी, अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए। जुल्म करना पाप, जुल्म दे खिलाफ खड़ना उदू बड़ा कर्म, सहना भी पाप। उन्हें एक ऐसा समाजिक सोशल मूवमेंट सिरजी के जड़ी असी गल करते हैं। बाबा जी कहते हैं आपसी भाईचारा, अंबेडकर साहब कहते हैं फ्रैटरनिटी, अनेक एकता, अड अड भाषावान, अड अड कल्चर, अड अड सभ्याचार, लेकिन उन्होंने एका ये संयुक्त किसान मोर्चे ने सिरजिया। बयानों से भी सभी दलों की सियासत साफ नजर आ रही है। मायावती ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, तो पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुशी का इजहार करते हुए साफ कर दिया कि अब उनके लिए पंजाब चुनाव में बीजेपी से गठबंधन का रास्ता साफ हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ने ये जो फैसला किया और अनाउंस किया कि तीनों जो कानून किसानों के खिलाफ थे, वो उन्होंने जो किसान हमारे पंजाब के समर्थन के खिलाफ हैं, वो उन्होंने वापस ले लिए और माफ़ी भी किसानों से मांग ली। तो इससे बड़ी बात नहीं कोई कर सकता। करतारपुर साहब का लांगा भी खुल गया, आज श्रद्धालु गए हैं बहुत, और ये किसानों का कानून भी ख़त्म हो गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और दिन भी ऐसा जो हमारे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पूर्व है। लेकिन किसान आंदोलन को अंदर ही अंदर ताकत दे रहे वामपंथी दलों की खुशी तो छिपाए नहीं छुप रही। ये ऐतिहासिक संघर्ष की ऐतिहासिक जीत है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहले बार हम लोगों ने ऐसे देखा कि एक तानाशाही सरकार के सामने, जिन्होंने हर हथकंडे को अपनाया था किसानों की संघर्ष को तोड़ने के लिए, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज किसानों ने इस मोदी सरकार को ऐसे सबक सिखाया है कि इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी। तो ये बहुत बड़ी जीत है और इस जीत का असर अन्य जनवादी और
आंदोलनों पर भी एक अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन असली खुशी तो बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर दिखाई दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से किसानों के साथ खड़े रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया है। आज गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। किसान आंदोलन खत्म होने से बीजेपी और संघ के नेताओं को अगले चुनाव में गांव-गांव पहुंचकर प्रचार करने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन विपक्ष को तकलीफ है कि मोदी ने मास्टर स्ट्रोक लगाकर चुनाव का मैदान बदल दिया है। वहीं जानकारों का मानना है कि इस फैसले के बाद पूरी चुनावी सियासत को हिंदू मुसलमान पर लाकर फायदा उठाना आसान हो जाएगा, लेकिन विपक्ष है कि मानता ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।